सिर्फ तमाशा देखने वालों के साथ है, यहाँ कोई अपना नहीं है। आज भी हाल ही आते हैं जो लोग कहते हैं स्पॉन्सर है, देख लो हानिया के आप, वो लड़कियाँ जो अपने घर वालों को पटाए पकड़ निकाह करती हैं उनका हाल हानिया खान जैसा होता है। और ह्यूमन राइट्स वाले बड़ा, सुमीरा जी आप बड़ा कहती हैं ह्यूमन राइट्स का, तो आज आपने बता दिया, आप मेरे अगेंस्ट इतना बोलना चाहती हैं, आपको परमिशन है आप बोलें। पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिलता, मैंने पीटीआई वालों से बहुत हेल्प मांगी लेकिन पीटीआई वालों ने मेरी कोई हेल्प नहीं की, किसी ने मेरी कोई हेल्प नहीं की। अब मैं ना लाए पाऊँगी कभी, ना मैं कुछ बोलूँगी, मैंने इंसाफ इंसाफ के नारे लगा कर बहुत बोल लिया। अब मैं तमाम सबसे कहना चाहूँगी कि मैं मरूँ तो ज़िंदा रहूँ तो जीऊँ, चाहे मैं काम करूँ, चाहे मैं नाचने वाली बनूँ, चाहे मैं हंसूँ, चाहे मैं रोऊँ, चाहे मैं सुसाइड करूँ, चाहे मैं जीऊँ, चाहे मैं मरूँ, किसी को कोई हक नहीं कोई मुझे अप्रोच करे। मैं अपना फेसबुक डिलीट कर रही हूँ, अपना नंबर बंद कर रही हूँ, और मैं कहाँ पे हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, मैं मर गई हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊँगी कि मैं कहाँ पे हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, और उन लोगों का भी शुक्रिया जो लोग आमिर से डरते हैं, और मेरी फैमिली का भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप लोगों को तौफीक दे कि हानिया के अगेंस्ट और वीडियोज़ बनाते रहे आप लोग। और मैं फिर से कहूँगी कि जिसका कोई नहीं होता ना उसका अल्लाह वारिस होता है, ठीक है। तो आज हानिया ने हार मान ली, हानिया हार गई और ताकतवर जीत के, और हुक्मरानों ने कुछ नहीं किया हानिया के लिए, किसी ने कोई साथ नहीं दिया। जब मैंने 5 टाइम सुसाइड की थी तो मैंने इसलिए की थी कि मेरा वास्ता आमिर से है, एक मिनिस्टर से है, मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, वही हुआ। मैं अब किसी से कोई गिला नहीं है मेरा, समीरा जी आप मेरे अगेंस्ट जितना बोलना चाहती हैं आपको इजाज़त है, बोलो बोलो, दिल खोल के बोलो, पैसे कमाओ बोलो। आप खुद को ह्यूमन राइट्स का कहती हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती हैं आप, लेकिन हानिया को इंसाफ नहीं दिलाया। आप भी डर गई आमिर से, आमिर से तो सभी डरते हैं, खान साहब भी डरते हैं, पीटीआई वाले डरते हैं, सब डरते हैं सिवाय पाक आर्मी के और सिवाय ISI वालों की। हानिया को आप कुछ नहीं कहना किसी से, हानिया कहाँ पे है, हानिया से मारी की है, हानिया अब भोंकना छोड़ दिया, हानिया ने इंसाफ का नारा लगाया था ना, सिया ने मुझे सी दासफ अली हमदानी शाह जी से कहकर वुमेन राइट्स का दिया था ना कि तुम वुमेन राइट्स के लिए काम करोगी, तो जब मैं खुद को इंसाफ नहीं दिला सकती तो मैं किसी और बहन बेटी के लिए क्या बात करूँगी। तो समीरा बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मेरी औकात, ये औकात है हानिया की, ये है मिट्टी से इंसान बना ना, तो ये है जो एक्सप्रेस टीवी के बाहर किया था ना, आज वहाँ पे खड़ी हूँ, ये है औकात मेरी, ये है, ये औकात है। तो आज के बाद मैं कभी भी नहीं आऊँगी लाइव और ना मैं किसी को बताऊँगी, बस इतना ही कहना था। अल्लाह हाफिज़, बाय। मैं मरूँ मत जीऊँ, मैं किस हाल में हूँ मैं कभी किसी को नहीं बताऊँगी, ना मैं लाइव आऊँगी। बहुत बहुत किया, बहुत बहुत शुक्रिया सबका, यहाँ आने के लिए किसी ने स्टैंड नहीं था।